मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे। तो पूरे उत्तर मुझे लगता है कि इनको सुधांशु जी छोड़िए, अरे अब आइए, एक मुसलमान नहीं मिला जिसको प्रदेश में भेज सको, ज्यादा क्यों नहीं भेजा आपने। अच्छा 83% मैं सुनिए सवाल कर रहा हूँ दोनों से सवाल। नहीं नहीं इसके पहले हम भेज चुके पहले जनता करके दिखा दिया। अरे भाई हमने जावेद जी को पहले भेजा है, अरे अभी दलित को भेजा है, एक भी नहीं मिला क्या? अभी हमने बैकवर्ड भेजा था, सवाल की बात कर रहे हैं। अच्छा आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको सिर्फ वोट चाहिए क्या? कुछ नहीं, झगड़ा हो गया पीडीए में, झगड़ा हो गया, कोई झगड़ा नहीं, 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 नहीं। अब तो इनका ना हिस्सा ना इनका हिस्सा, इनके लिए तो अनटचेबल है पॉलिटिकली, इनके सुधांशु जी खुद पर खुद लड़ते अपने बलबूते के ऊपर और जीतते चुनाव। इस झगड़े में एम फैक्टर है भाई, इसलिए झगड़ा हो रहा है। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन सी फैक्टर है इस झगड़े में, संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, जिसका आप मर्डर कर रहे हो रोज रोज कत्लेआम हो रहा है। इक्वालिटी नहीं, वारिस पठान के लिए अलग कानून है, सुधांशु त्रिवेदी के लिए अलग कानून है देश में। देखिए देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों, तो मैं बताना चाहता हूं हमें मुस्लिमों से अदावत है। इसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे तो बताइए, हम गए थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेक्युलरिज्म का सूरमा। अब बताता हूं 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में, 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदा आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। यह बताइए मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी, आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो इन्होंने मान लिया जब दादा भी पैदा नहीं हुए, नब्बे साल पुराना मैरिज एक्ट चाहिए, लेकिन दादा के समय की बात याद नहीं, नब्बे साल पुराना फिर लॉ क्यों चाहिए? नब्बे साल पुराना लॉ नहीं चाहिए ना, यूनिवर्सिटी को याद नहीं है? उसके गधे का नाम क्या था, उसके घोड़े का नाम क्या था भैया? वो गधे घोड़े आप क्या होते थे हमारे नहीं है भाई। अरे बात हो रही 2024 की बात, चलिए आप जवाब सुन लीजिए, जवाब जवाब जरा सा अनकंफर्टेबल बात आता है। मैं बताता हूं इनको कुछ नहीं पता है 2024 के जमाने में, मैं बताना चाहता हूं 2024 क्यों बोल रहा हूं। हां बोलिए। पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने? हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं आप, ये दिक्कत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अजेंट की बात ही नहीं कर रही है, इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे, 1890 मैंने कब बोला, अभी कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई बताइए ना। और मैं बताता हूँ 1890 नहीं, आज मैं बताता हूँ 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था, कब इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है, सच्चा देशभक्त मुसलमान है, आपके लिए अपराधी बेटी है, अफजल हालात का मारा है, याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग है, आप जाकिर नायक चांद का मसीह है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है, ये हमारी सोच मुसलमानों की और आपकी सोच बात का। किसान धरने पे बैठा है, उसकी मौत हुई है, उसका बोल दो ना एमएसपी गारंटी कम दोगे, वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है। आप 1000 साल पीछे चले जा रहे हैं, देश आपसे पूछ रहा है, किसान आपके धरने पे बैठा है। इंडिया अलायंस पर 4 गुना कर्जा कर दिया आपने 10 साल में, इस बात का 1000 साल पहले से क्या संबंध है? नहीं नहीं अभी गाइए, आपके सवाल का जवाब दूं, बताइए डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहां है दुनिया में? कहां है? सुनिए सुनिए, ये बोलेंगे नंबर नहीं है, इसरो ये बोलेंगे नंबर 2 पे है, अमेरिका के बाद अमेरिका भी हमसे पीछे है, अमेरिका भी हमसे पीछे है, तो डॉलर की वैल्यू क्या है? डॉलर हमारा रुपए में सवार बैठा है, ये पता नहीं कहां से खोज के लाते।
मैंने बस एक बात कह दूं फिर आप आगे बढ़िएगा। देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि मालदीव जैसा छोटा सा देश शांति खा रहा है, फौज ले जाओ। नेपाल कह रहा है क्या भैया, उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। नेपाल डुबकी लगाई लक्षद्वीप में मोदी जी ने, गड़बड़ा गया मालदीव। कहां तक पहुंचा दिया आपने भैया, बर्बाद कर दिया देश को 10 साल में आपने। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतनी बातें सुनी ऐसे लग रहा है देश अंधकार में है, ऐसा लग रहा है देश में पिछले 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। उससे पहले जो हुआ होगा हुआ होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में तो कुछ नहीं हुआ। 8 हिंदुस्तानी जिन पर सजाए मौत सुना दी गई थी वो लौटकर घर आ गए, लेकिन किसी को कोई पता नहीं। इस देश में महिलाओं के साथ जो बिल अन्याय हो रहा है, सही कह रही हैं आप। संदेश खाली, संदेश खाली, संदेश खाली पे ये बोले सेकुलर चुप्पी। संदेश खाली में जो हुआ गलत, हर्षवर्धन त्रिपाठी देखिए, हर्षवर्धन था आप बोलिए, जो महिला पहलवान के साथ था वो अन्याय था, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ बोलिए अन्याय था, बिल्कुल अन्याय था, बोलिए अन्याय था, बिल्कुल अन्याय, बिल्कुल अन्याय था। और आप उस डिबेट में शामिल थे और टाइम्स नाउ न भारत पर ये डिबेट हुई थी, तो आप मुझे आपके साथ लठ लेके खड़े हैं। अगर कोई महिला के साथ देखेगा समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी, भारतीय जनता पार्टी आप बंद कर लेती है। दूसरे लड़के को पूछ लीजिए जो आपके साथ साइकिल पर सवार हैं, उन्होंने बॉयकॉट कर रखा है, उन्होंने बॉयकॉट कर रखा है, और मैंने पीछे देखा समाजवादी पार्टी मेरे आसपास कहीं नजर नहीं आई। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या देश में कुछ नहीं हुआ? जो हुआ वो नफरत हुई, जो हुआ वो लोगों का शोषण हुआ, क्या यही कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में? नविका जी, सबसे पहले तो ये देखिए, नेता लोग पत्रकारों की आवाज सुनना नहीं चाहते, तो ये कोई नई बात नहीं, हम लोगों के लिए रोज का मसला है, आप तो बरसों से देख ही रहे हैं। तो एक समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में मुलायम सिंह यादव जी के अपने गृह क्षेत्र में सैफई में मुंबई के कलाकार आकर नाच गाना करते थे, उनके निजी मनोरंजन या आसपास के लोगों का मनोरंजन था। और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार श्री राम राग सेवा चल रही है, जिसमें भारत के हर हिस्से का लोक कलाकार संस्कृति कर्मी प्रतिदिन आकर अपनी प्रस्तुति दे रहा है। यह फर्क है। फर्क यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में फैजाबाद से कब निकल गए गोंडा बस्ती की तरफ पता नहीं चला, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ चले गए पता नहीं चला, क्योंकि 800 मीटर में खत्म हो जाता था और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिसका फुटपाथ पूरा हो। मैं दावे के साथ कहता हूं जो 5 साल पहले गया है उसको पता है कि अयोध्या फैजाबाद की किसी भी सड़क पे फुटपाथ नहीं हुआ करता था, सिंगल लेन की सड़क कटी फटी होती थी। आज 3 गुना चौड़ी सड़क अयोध्या में हो गई। जिस प्रयागराज शहर से मैं आता हूं 7.5 मीटर की सड़क इंक्रोचमेंट में रह गई थी, 15 मीटर की सड़क हो गई 2019 के महाकुंभ में। सर आप दिल्ली से आए हो, अनुराग भदौरिया जब कहते हैं ना सर दिल्ली से आए हो, एक्सप्रेसवे में बैठ के आए हो, तो आप बताओ अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया जब कहते हैं कि लठ लेके, तो मुझे बोलने में नहीं देंगे लठ लेके, ये कर सकते हैं हम पत्रकार, हम डरते हैं भैया, हमने हल्ला बोल झेला, लाइन ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न कर दी, हमने हल्ला बोल झेला है। मैं तो उस वक्त प्रयागराज में ही था, हमने हल्ला बोल झेला है, हमने देखा है कि अखबारों के हॉकर पीटे जा रहे थे, हमने देखा कि इलाहाबाद के जो हाईकोर्ट है उसके भीतर जज डूब के पड़े हुए थे, हमने देखा है, हमें मत बताइए, और हमें मत बताइए कि हम दिल्ली से चले आ रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि दिल्ली से चलते थे तो अलीगढ़ पहुंचते पहुंचते आधी रात बीत जाती है, हमें मत बताइए। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज उत्तर प्रदेश देश का अकेला राज्य है, और मैं कहता हूं इसको चुनौती के साथ इसको तय कीजिएगा, मैं तो इसी राज्य का हूं, मेरी तो पीड़ा है इस राज्य को कितने गंदे तरीके से। आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शहर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई उड़ान पट्टी न हो। लिख रहा हूं इसको, बोलिएगा, ये है बदलाव। क्या आज उत्तर प्रदेश 80% गरीबों के लिए है, क्या सपनों का उत्तर प्रदेश है, वो इस देश के गरीबों का एयरपोर्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, अभी बनारस आया हूं मैं, उत्तर प्रदेश में सैमसंग है, आज बनारस से चंदौली, बनारस से भदोही बड़ी कंपनी है, लेकिन हम कह रहे हैं हम लठ लेके खड़े रहेंगे।